नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने बड़ा बयान देकर सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे पुराना धर्म इस्लाम है और इस्लाम की पैदाइश भारत में हुई। भारत पर पहला हक मुसलमानों का है, साथ ही इस धरती की खासियत यह है कि यह खुदा के सबसे पहले पैगम्बर है। यह मुसलमानों का पहला वतन है, इसीलिए यह समझना कि इस्लाम बाहर से आया हुआ है यह सरासर गलत है। मौलाना महमूद मदनी का कहना है कि हिंदुत्व की गलत परिभाषा पेश की जाती है। हमारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी से कोई दुश्मनी नहीं और हिंदू मुस्लिम सभी बराबर हैं। हमारे पूर्वजनों ने अंग्रेजों का मुकाबला किया, हमें पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं और ना ही धर्म के आधार पर भेदभाव हो। जिन मुसलमानों को जाना था वो सन 1947 में चले गए। उन्होंने आगे कहा कि हमारी किसी से मनभेद नहीं है बल्कि मतभेद है। इस दौरान उन्होंने पूर्व सरसंघ चालकों की तुलना में मोहन भागवत की तारीफ भी की। मौलाना महमूद मदनी ने तुर्की में भारत सरकार द्वारा किए जा रहे कामों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मैं दो बातों का करेक्शन करना चाहता हूँ। पहला, मुल्क में बसने वाले एक तकबे से अलग जरूर है लेकिन हम उनके खिलाफ नहीं है। अलग होना चीजों को खूबसूरत बनाता है लेकिन खिलाफ होना चीजों को मुश्किल बनाता है। भारत हमारा मुल्क है और अलग अलग होने के बावजूद हम मुल्क से जुड़े हुए हैं और इस मुल्क को बनाने में मुसलमानों का बड़ा किरदार रहा है। टीवी 100 उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, मंदिर दर्शन, बॉलीवुड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, फैक्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।